संदीप टंडन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। देखिए, सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में आप ही का फंड है। जो नए इन्फ्लोज आ रहे हैं, जितना नया पैसा म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है, आई एम श्योर कि सबसे ज़्यादा पैसा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो फंड है उनमें आपके फंड को मिल रहा है। बड़ा फेवरेट है और लोगों का पसंदीदा भी है, तो हमने सोचा कि आपको आमंत्रित करके समझा जाए कि म्यूचुअल फंड के लिए जो ये स्ट्रेस टेस्ट के नियम आए हैं, बट जरा समझाएं सर, ये किस तरह के नियम है, इससे क्या फायदा होगा? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बोलूंगा कि देखिए, बहुत लोग इसको लेके मतलब स्ट्रेस के नाम पे पूरा सिस्टम ही स्ट्रेस्ड आउट हो गया है। ओके, ठीक बात है ये पता नहीं क्या चीज आ गई है। जी। देखिए, तो उसको मैं थोड़ा लोगों का डर हटाना चाहता हूँ। देखिए, एक ये थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। ओके, और मैं इसको थ्योरेटिकल इसलिए बोलूंगा कि सबको समझ में आना चाहिए कि आप कल को बोल दो कि सारे बैंक्स कितने दिन में अनवाइंड कर सकते हैं, सारी कंपनी इंडिया कितने दिन में अनवाइंड हो सकती है, ऐसा नहीं होता है। ओके, पहला पॉइंट, तो हमको रेगुलेटर का इंटेंट समझ में आना चाहिए। रेगुलेटर का क्या इंटेंट है? रेगुलेटर का इंटेंट है ट्रांसपेरेंसी को दिखाने के लिए कि भाई, आप जिस फंड में पैसा डाल रहे हो उसका लिक्विडिटी कैसा है, उसका रिस्क मेजर कैसे हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है ट्रांसपेरेंसी के लिए, कुछ चीजें उन्होंने डिस्क्लोज करी हैं। मैं तो इनफैक्ट एक स्टेप आगे जाने की बात करता हूँ, जो ऑलरेडी हम अपने म्यूचुअल फंड स्कीम में दिखाते हैं, मतलब हमारी फैक्टशीट के अंदर जाता है कि जो डेटा सेबी ने मांगा, जैसे बीटा मांगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा, या ट्रेलिंग पी मांगा, ओके, या पोर्टफोलियो टर्नओवर मांगा, तो उससे तो मतलब आपको आइडिया जरूर लगता है, बट उससे आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलती है। ओके, तो कंप्लीट पिक्चर, जैसे हम लोग बात करते हैं कि पी मल्टीपल आपने बता दिया या प्राइस टू बुक बता दिया, तो खाली प्राइस और प्राइस टू बुक से आपको पूरा आंसर नहीं मिलता। अगर हम बोलते हैं कोई कंपनी का पी ज्यादा है, तो उसको आरओसी और आरओईसी के साथ लिंक करके देखते हैं कि उसकी मैट्रिक्स कैसी है। अगर रिटर्न्स रेशियो ज्यादा है तो ही पी मल्टीपल ज्यादा मिलता है। ठीक है, ये सब लोग समझते हैं। उसी तरह खाली बीटा और खाली स्टैंडर्ड डेविएशन देख के हमारा काम नहीं होता है, तो हमें इसको और एक स्टेप आके लेके जाना, हमें इसको रिस्क एडजस्टेड मेजर्स पे देखना है कि भाई, एक फंड हाउस ने कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न जनरेट किया। ओके, देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन तो खाली एक डेविएशन है कि कितना डेविएशन है। डेविएशन कैन बी पॉजिटिव, डेविएशन कैन बी निगेटिव। ओके, बट जब हम लार्जर पिक्चर देखते हैं, स्टेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं कि रिस्क एडजस्टेड मेजर जिसकी बात करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं सॉटिनो रेशियो क्या है, शापे रेशियो क्या है, जेंसन अल्फा कितना है, कि आपका अपसाइड कैप्चर रेशियो कितना है, डाउनसाइड कैप्चर रेशियो कितना है, या डाउनसाइड डेविएशन कितना है, या अपसाइड डेविएशन कितना है, जब हम ये पूरी पिक्चर को देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से आंसर मिलते हैं। इनफैक्ट सेबी ने जो हमको एक्सरसाइज दी उसको तो हमने दिया ही, हमने ओवर एंड एडिशनल मेजर भी लोगों को इन्फॉर्म किया कि हमारा मिड और स्मॉल कैप का रिटर्न रेशियो कैसे है, रिस्क एडजस्टेड रेशियोज कैसे है, कि कितना रिस्क लेके हम क्या बना रहे हैं, तो वो एक लार्जर और होलिस्टिक पिक्चर हो जाती है अगर हम इस चीज को देखें। और दूसरी चीज हमको समझना चाहिए, किसी का आ गया हमारा 4 दिन है, हमारा जैसे 6 दिन है, और किसी का एक स्कीम का 22 दिन है, तो हमको ये भी समझना है कि ये छोटी स्कीम होगा तो उसको कम दिन लगेंगे अनवाइंड करने में, बड़ी स्कीम है का तो नेचुरली ज्यादा लगेगा। भाई, किसी का पोर्टफोलियो बड़ा है, 40,000 करोड़ का पोर्टफोलियो सपोज किसी फंड का, तो उसको तो एक जिसका 3,000 करोड़ है उससे तो उसका ज्यादा दिन समय लगेगा, तो वो भी एक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अरे इसमें इतना ज्यादा क्यों लगेगा। भाई, साइज के हिसाब से होगा ना, तो इसको आइडियल कैलकुलेशन तो पर यूनिट पे देखना चाहिए कि पर 1,000 करोड़ पे कितना टाइम लगेगा बेचने में। ओके, और दूसरी चीज मैंने आपको बोला है कि एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, आपको एक ट्रांसपेरेंसी के लिए डेटा पॉइंट्स दिया है, क्योंकि सारे म्यूचुअल फंड एक दिन बंद हो जाएंगे, सारी स्कीम एक दिन बंद हो जाएंगी, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। आप कितनी बार देखिए बैंकिंग सेक्टर में एक आध बैंक को स्ट्रेस होता है तो आरबीआई एक्शन लेती है, उसको मर्ज करती है या अनवाइंड करती है। अगर ऐसे भी कई हमने इतने सालों के म्यूचुअल फंड में देखा, कितने म्यूचुअल फंड बंद हुए या उसकी स्कीम दूसरे लोगों ने टेक ओवर कर ली है, और यही कंपनियों के साथ होता है, कोई कंपनी खराब हो जाती है दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर करती है। तो पूरा ये अजम्पशन कर लेना कि एक दिन सब बंद हो जाएंगे और कितने दिन में हम पैसा निकालेंगे, थोड़ा डरने वाली बात नहीं है। रेगुलेटर ने आपको एक डेटा दिया कि ट्रांसपेरेंसी के साथ समझिए कि आपका खुद का रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, और आप जिस स्कीम में डाल रहे हैं उसके रिस्क पैरामीटर क्या है। तो ये अच्छा एक्सरसाइज है, लेकिन इसको लेके हम इतना स्ट्रेस मार्केट आ गया है वो अनवॉरंटेड है। ठीक बात है संदीप जी। एक और इंटरेस्टिंग चीज, जैसे आपका मैं पढ़ रहा था कि मिड कैप फंड में आपने कहा कि 25% पोर्टफोलियो 3 दिन में, या 50% बेचना हो तो 6 दिन में, विच इज़ वेरी रीजनेबल, मतलब बहुत ही कम समय है। लेकिन ये तो आपने अपने फंड का बताया कि चलो आपको बेचना है, अब समझो पूरी इंडस्ट्री का आ गया, तो अगर स्ट्रेस होगा तो खाली ऐसा तो है नहीं कि एक फंड को होगा, राइट?
और एक फंड अगर बेचने आया है तब तो चलो ठीक है, बाकी फंड मिलकर खरीद भी लें, लेकिन अगर सारे फंड एक साथ अगर 25% 10% 15% 50% बेचने आए तो फिर स्ट्रेस इसका क्या होगा? देखिए फिर अनिल जी वही बात है कि ऐसा इवेंट क्या होगा कि आज अगर अपन देखें 30 मैं 33 साल से या 35 साल से बाजार में हूँ, जी तो हमने तो यूटीआई वाला फेज भी देखा है, सिर्फ यूटीआई हुआ करता करेक्ट था और कोई नहीं हुआ करता था, बाद में शायद इंश्योरेंस में सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस होता था, LIC होता था, बाकी कोई नहीं होता था। ऐसे 30-35 साल के करियर में मैंने तो ऐसा कोई भी दिन नहीं देखा कि सारे इंश्योरेंस कंपनी में प्रॉब्लम आ गई, सारे म्यूचुअल फंड को एक ही दिन सबको रिडीम करना, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि सारे बैंक्स में रन हो गया। तो इसलिए मैंने बोला ये थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। और दूसरी चीज, एक चीज हमको समझ भी आना चाहिए, डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा अंतर होता है। डेट मार्केट का क्या होता है इंस्ट्रूमेंट, लोगों को डेट मार्केट की मेमोरीज याद है कि एक फले फले म्यूचुअल फंड में ऐसा हो गया, उसमें ऐसा हो गया। तो डेट मार्केट में क्या होता है, जब रेटिंग डाउनग्रेड होती है या कोई फंडामेंटल चेंज होता है तो पेपर कंप्लीटली इलिक्विड हो जाता है, ओके। बट इक्विटी मार्केट में ऐसा नहीं होता है, इक्विटी मार्केट में हर चीज से एक बायर होता है, ओके। 20% नीचे बहुत बायर होते हैं, 50% नीचे तो लोग लाइन लगा के लेते हैं। आप देखिए ना कितनी कंपनी इंडिया में NCLT में चली गई जिसको लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू अब जीरो हो जाएगी, ओके। उन कंपनियों में भी हजारों लाखों करोड़ों का वॉल्यूम होता रहा, ओके? और उनको NCLT जाने के बाद भी होता है, कुछ लोगों का लगता है कि ऑप्शनैलिटी वैल्यू है, मेरे को होप ट्रेड है इसके अंदर, बट हर भाव से एक बायर और सेलर होते हैं। तो ये थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है कि सब एक साथ बेच देंगे, सब एक साथ खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। अनलेस जैसे आप कोविड का एग्जाम्पल देखिए ना, अगर हम अपने मेरे अपने लाइफ में कोविड से बड़ा कोई खराब टाइम नहीं देखा, हमने 92 का फॉल भी देखा, 2000 फॉल भी देखा, 2007-8 का ही फॉल देखा, बट कोविड वाज अनयूजुअल, जहां पे एक लाइफ के ऊपर थ्रेट आ गया था वर्ल्ड वाइड, ओके, कि हम लोग एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। उस फॉल में भी एक सर्किट लगने के बाद बाइंग हुई और वो लोगों को बाद में समझा कि वो लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी था। अगर आप लास्ट 5 साल का डेटा देखें 2020 से और अभी 4.5 साल में, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। तो आई थिंक कभी कभी इस तरह का जो एक नरेटिव जिसको मैं बोलता हूँ, रियलिटी बहुत अलग है, नरेटिव एक बाजार में बिल्ड हो जाता है और उसके कारण अननेसेसरी कैपिचुलेशन हो जाता है कि जो आदमी नहीं भी बेचना चाहता वो भाव देख के डर के बेच देता है। तो वो हम लोग ऐसे इंस्टीट्यूशन उस चीज का हम एडवांटेज लेते हैं कि बहुत ज्यादा डर हो तो हम पार्टिसिपेट करते हैं। और हमेशा आपने देखा है कि जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट होता है कोई लाइफ में तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है। और अभी जो लास्ट 2-3 दिन में जो बड़ा फॉल आया, यहाँ पे तो कोई इवेंट ही नहीं हुआ, ये तो हमने डर में बेच दिया। और जितना जितना सेबी ने कोशिश करिए कि आपको अपना रिस्क प्रोफाइलिंग बताए, समझाएं, हर हम लोग म्यूचुअल फंड भी आपसे पूछ रहे हैं, आप अपना रिस्क एपेटाइट को रीअसेस करें, बट लोगों ने उसको अलग तरीके से रीड किया कि अरे कुछ गलत है, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए रेगुलेटर स्टेप ले रहा है। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं इंडस्ट्री में नहीं है, इंडस्ट्री इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, सब कुछ अच्छा है। और दूसरी चीज अनिल सिंह जी, मैं आपको बोलता हूँ सिंह जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार बोलता हूँ, आज का जो रिटेल निवेशक है ना वो बहुत ज्यादा मैच्योर है, ओके। वो इतना घबराता नहीं, मैं तो देखता हूँ कि HNI और फैमिली ऑफिस वाले लोग ज्यादा घबरा जाते हैं, कॉर्पोरेट्स लोग ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, ओके, जो फैमिली ऑफिस या ट्रेजरी चलाते हैं। रिटेल जो इन्वेस्टर है वो मैच्योरिटी के साथ डील कर रहा है। लास्ट अगर हम 4-5 दिन देखा कि हमारा कोई फ्लो नेगेटिव बड़ा हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत रिडेम्पशन बढ़ जाते हैं, लेकिन नेट नेट फ्लो जो हमको आ रहा था वो मेंटेन ही है। तो रिटेल ने तो कोई इमेच्योरिटी दिखाई नहीं है, ओके। तो आई थिंक इट्स अ वेरी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच फ्रॉम रिटेल पर्सपेक्टिव कि हमें रिटेल लोगों को तो बिल्कुल और एनकरेज करना चाहिए कि देखिए इंडिया में कुछ बदल गया है। करेक्ट, इंडिया का कुछ परसेप्शन एनालिटिक्स, जिसे हम बोलते हैं क्वांट परसेप्शन एनालिटिक्स, अगर इंडिया की बात करें रिलेटिव टू डेवलप मार्केट, रिलेटिव टू EM, रिलेटिव टू चाइना, रिलेटिव टू US, एक्सट्रीमली अच्छा है, ओके। तो इस अगर कुछ चीज बड़ी चेंज हो रही है तो लॉन्ग टर्म के लिए चेंज हो रही है। और इंडिया एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव रहने वाला है, जो तरह का चेंजेस हैं, अगर हम यही चीज को चाइना से कंपेयर करें या बाकी इमर्जिंग मार्केट से लोग कंपेयर करते हैं, अरे इंडिया बहुत महंगा है। तो संदीप, इंडिया में इकोनॉमी बेस्ट है, इंडिया के बेस्ट मैक्रो फैक्टर हैं, इंडिया का रिस्क एपेटाइट हाईएस्ट है इंडस्ट्री में, राइज हो रहा है, लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है। तो मल्टीपल डेटा पॉइंट्स अगर इंडिया के लिए इतना कंस्ट्रक्टिव है, तो मैं एक 2 महीने के फॉल या 2 दिन के फॉल से इतना घबरा जाऊं कि अपना घर का शेयर बेच देगा, वो सही नहीं है। इसलिए हम लोग म्यूचुअल फंड में सेक्टर रोटेशन और स्टॉक रोटेशन करके उसको रीबैलेंस करते हैं, कहीं हाइप क्रिएट हो जाता है, कहीं यूफोरिया बिल्ड होता है, तो वहां प्रून डाउन भी करते हैं। और आज जैसे कुछ लास्ट 2-3 दिन में एक बड़ा कैपिटुलेटिव मूव आया, तो हम ऐसे इंस्टीट्यूशन उसको
ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को, कैपिटलाइज करके हम तो इन्वेस्टमेंट्स ऐड कर रहे हैं पोर्टफोलियो में, क्योंकि रिटेल वर्क तो हमारे जी पास जी मेंटेन्ड है। जी संजय जी, इसमें एक चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ, चलिए देखिए कुछ एसएमईज के आईपीओ या एसएमई की स्पेस है जहाँ पर तो थोड़ा फ्रॉथ बबल टाइप की सिचुएशन थी, लेकिन जिस तरह से रेगुलेटर्स ने आगाह किया है कि कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बबल बन रहा है, फ्रॉथ हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ओवरऑल ऐसी बबल टाइप की सिचुएशन है जिससे इन्वेस्टर्स को सावधान रहना है, या फिर कुछ ही सेलेक्टिव पॉकेट्स ऐसी है? देखिए अगर हम एसएमई की बात करें, ओके एसएमई में जो जो कंपनियां लिस्ट हुई वहां तो क्लियर बबल दिखता था, ओके और वहां पे अगर आप देखें तो रिटेल ने पार्टिसिपेशन, अगर आप मेरा जो एनालिसिस है कि आपको जो, अरे कि रिटेल की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड हो जाती है कि जो पब्लिक ने लिया वो रिटेल है, मैं उसको वैसा नहीं मानता हूँ। रियल रियल रिटेल होता है जो छोटा निवेशक होता है। क्या छोटे निवेशक ने इन सब कंपनियों में पार्टिसिपेट किया? तो मेरे को नहीं लगता है कि नहीं किया। इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? इसमें सब बड़े बड़े एचएनआईज ने और अल्ट्रा एचएनआईज लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो थोड़े इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होते हैं और थोड़े मेच्योर इन्वेस्टर होते हैं, जिनको जिनकी बैलेंस शीट सीज बहुत बड़ी होती है, उनके लिए वो किसी ने एसएमई में डाल दिया तो उसने अपनी नेटवर्थ का कितना हिस्सा डाल दिया, 2% डाल दिया, 5% डाल दिया, लेकिन वो 2-5% वैल्यू टर्म्स में बहुत बड़ा होता है। बट अगर हम यही चीज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखें तो मुझे नहीं लगता किसी म्यूचुअल फंड ने एक दो को किसी का एक आध दुक्का छोड़ दो आप, बट ब्रॉडली किसी म्यूचुअल फंड ने एसएमई में पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे म्यूचुअल फंड में तो देखें तो एसएमई में हमारा तो नेगेटिव लिस्ट है, हम एक भी एसएमई स्टॉक में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, हमारे बोर्ड ने उसको नेगेटिव लिस्ट में डाला हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक एसएमई सेगमेंट में अगर कुछ हाइप हुआ या यूफोरिया बिल्ड हुआ, जो हुआ है उसको अगर हम एक्सटेंड कर दें कि स्मॉल कैप में इतना बड़ा हाइप हो गया। अगर आप देखिए एसएमई का अपने, अगर हम जैसे मिड और स्मॉल की बात करें, जिस तरह का इंडिया का परसेप्शन है, आप छोटी कंपनियों को जाके मिलो जिनके पास 5 महीने की ऑर्डर बुक पोजीशन नहीं होती थी, आज उनके पास 5-5 साल की ऑर्डर बुक पोजीशन है। तो उस तरह का नजरिया भी तो इंडिया और ये मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में चेंज हुआ है। अगर हम इसको बोले कि ये हाइप है, इतने सालों में नहीं हुआ, एक बार आ गया, ये एक बार का ऑर्डर बुक पोजीशन नहीं है। अगर किसी के पास 5-6 साल का ऑर्डर बुक पोजीशन हो गया तो उसका तो 6 साल का पूरा इन्वेस्टमेंट का जो फंडामेंटल डेटा है वही इंप्रूव हो गया ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि कहीं अगर हाइप बिल्ड हो रहा है, कहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेच हो रहा है नंबर, तो आप वहां से निकलिए। और जो हम ऐसे म्यूचुअल फंड करते हैं, बट इस चीज को अगर बाजार ने कोई पैनिक में कोई शेयर को 20% बेच दिया, कोई किसी का लिवरेज पोजीशन था, देखिए आम आदमी इतना बड़ा रिटेल करता नहीं है। अगर आम आदमी का डेटा देखें तो आम आदमी तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड में है, और जो बाजार में, जो हम लोग बाजार में बात करते हैं कि लिवरेज पोजीशन है, वो सब एचएनआई का पोजीशन है। वो समझदार और अपनी बैलेंस शीट को समझ के खेलता है, तो उसमें अगर किसी को 10-20% का इरोजन कहीं हो गया तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है उसको, क्योंकि उसके 4 साल के अंदर उसने भी बहुत अच्छा पैसा बनाया है, इसलिए वो लोग भी इतना पैनिक मोड में नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब प्राइस करेक्ट होता है ना, वो हेल्दी करेक्शन के नाम पे लोगों का हेल्थ बिगड़ जाता है, और ये स्ट्रेस टेस्ट में भी लोगों ने अनवॉरंटेड स्ट्रेस ले लिया, जो मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है। आप अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के, हम लोग तो बोलते हैं पार्टिसिपेट करिए, इसलिए हमने लिखा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इट्स अ टाइम टू रीबिल्ड योर एक्सपोजर इफ यू हैव सोल्ड व्हाटएवर। नहीं नहीं बिल्कुल सर, आपके ये सारे कॉन्फिडेंस देने के बाद आई एम श्योर लोगों का स्ट्रेस भी कम होगा, हेल्थ और वेल्थ दोनों बनेगी, और आपके फंड तो बहुत अच्छे तरीके से बना के वो दे ही रहे हैं। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि स्ट्रेस स्ट्रेस को लेकर स्ट्रेस ना हो, और ये एक रूटीन एक एक्सरसाइज है जो देखने के लिए है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशन अलग होती है, तो आप एकदम शांत रहें और इस तरह के पैनिक में मौका ढूंढें पैसा लगाने का, न कि भाग जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।